बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे, मोशन एंड फोर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट टर्म डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से क्या मराद है। व्हेन एवर ए बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फर्ज करें कि बॉडी पहले पोजीशन ए पे है, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वन है। कुछ लम्हे के बाद वो बॉडी पोजीशन बी पे चली जाती है, जिसका पोजीशन वेक्टर आर टू है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, हम उसे उसका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट बी की तरफ इस जे एरो साइन जो है इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, और इसकी इसका जो यूनिट है वो मीटर ही है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंट एज ए वेक्टर दैट डिस्क्राइब हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन द बॉडी हैज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट असल में हमें यह बताता है कि एक बॉडी जो है अगर वो डिस्प्लेस हुआ है तो किस हिम्मत में हुआ है और कितनी कितना फासला या कितना डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बॉडी इज मूविंग अलोंग द कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि बॉडी जो है वो इस कर्व के ऊपर चल रही है फ्रॉम ए से बी की तरफ, देन द डिस्प्लेसमेंट बी ऑफ द बॉडी इज रिप्रेजेंट बाय एरो ए बी। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को ए बी से जाहिर करेंगे, उसके ऊपर यानी एरो साइन लगा देंगे। नोट दैट ऑल्दो द बॉडी इज मूविंग अलोंग द कर्व, द डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द पाथ ऑफ द मोशन। ये आप नोट करें कि बॉडी बेशक यहां से इस पाथ पे जा रही है, तो लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, यानी ये इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ए से बी की तरफ, ये डायरेक्शनल डिस्टेंस है, यानी ए से बी की तरफ कम से कम फासला, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। If R1 is a position vector of point A, ये point A है, इसका किसी origin O से position vector R1 है, and R2 is the position vector of point B, ये point B है और इसका O से position vector R2 है, then by head to tail rule, it can be seen from the figure that D displacement जो है R2 minus R1। यदि आप ये यहां से देख सकते हैं कि अगर हम R2 पोजीशन वेक्टर से R1 पोजीशन वेक्टर बाय हेड एंड टेल रूल निकाल दें, तो D जो है वो आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट नोट, व्हेन ए बॉडी मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ द मोशन एज शोन इन द फिगर। अगर वो बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रही हो, तो उसका जिस पाथ पे वो चल रही होती है असल में वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी बन जाता है। वेलोसिटी, डिफाइन द टर्म वेलोसिटी, आल्सो डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप। वेलोसिटी से क्या मुराद है और इसकी मुख्तलिफ किस्में जो है वो आप बयान करें। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is along the direction of displacement. The system international unit of velocity is meter per second. Change in velocity per unit time, unit time के अंदर velocity में किसी body की, जब कोई body motion में हो और उसकी velocity में उसके displacement में जो unit time के अंदर change आती है, हम उसे velocity कहते हैं। मतलब ये है कि उसके displacement में यूनिट टाइम के अंदर जो उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया हो वो उसकी वेलोसिटी कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी। द रेशियो बिटवीन द टोटल डिस्प्लेसमेंट
एंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी इफ डेल्टा डी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम डेल्टा टी देन द एवरेज वेलोसिटी वी ए वी इज डिस्क्राइब्ड एज वी एवरेज डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी असल में यह है कि फर्ज करें कि बॉडी को डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है तो जितने वक्त में उसने जितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है तो उस डिस्प्लेसमेंट को उतने वक्त पे आप डिवाइड कर दें तो यूनिट टाइम के अंदर जितना कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करेगी वो उसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। एवरेज वेलोसिटी डज नॉट गिव द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन व्हेन टू पॉइंट्स द पाथ मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड एंड द मोशन मे बी स्टेडी आर वेरिएबल। यानी एवरेज वेलोसिटी हमें ये नहीं बताती कि बॉडी जो है वो लगातार हरकत कर रहा है या कभी वो तेज हो जाता है और कभी स्लो। द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिटेल्ड मोशन जो है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें बताती है कि बॉडी इस वक्त कहाँ है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज टाइम इंटरवल अप्रोच टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसमें क्या है, फर्ज करें कि कोई बॉडी पोजिशन ए से पोजिशन बी की तरफ जा रही है इस कर्व के ऊपर, अगर हम ये वक्फा जो है ए से बी तक का डेल्टा टी जो है वो कम से कम टाइम इंटरवल कम से कम करते जाए यानी जीरो को अप्रोच करें लेकिन जीरो ना हो तो ये जो डिस्टेंस डेल्टा डी होगा वो भी कम से कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जबकि टाइम जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो तो जितना उस टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है उसको आप टाइम पे डिवाइड कर दें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है। इफ डेल्टा डी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी आई एन टी इंस्टेंटेनियस इज एक्सप्रेस एज वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। रीड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी असल में यह है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम टाइम में चेंज जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही हो यानी कम से कम टाइम हो जीरो ना हो। एक्सप्लेनेशन कंसीडर ए बॉडी इज मूविंग अलोंग द पाथ ए बी सी इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है एक ये बॉडी है जो इस कर्व ए बी सी के ऊपर चल रही है एक्स वाई प्लेन में। एट एनी टाइम टी लेट द बॉडी बी एट पॉइंट ए। फर्ज करें कि टाइम टी पर बॉडी पोजिशन ए पर है। इट्स पोजिशन इज गिवन बाय पोजिशन वेक्टर आर वन और ये आर वन जो है पोजिशन वेक्टर इसकी पोजिशन को शो कर रहा है। आफ्टर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी फॉलोइंग द इंस्टेंटेनियस टी बी बॉडी रीचेज द पॉइंट बी। शॉर्ट इंटरवल टाइम के बाद फर्ज करें कि बॉडी बी पॉइंट पे पहुंच जाता है और इस बी पॉइंट पर उसका पोजिशन वेक्टर जो है वो आर टू है। द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी ऑफ द वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल विल बी डेल्टा डी इक्वल आर टू माइनस आर वन। जैसा कि आपको शक्ल से जाहिर है कि अगर हम इस पोजिशन वैक्टर आर टू से आर वन पोजिशन वैक्टर वाई हेड एंड टेल रूल निकाल देंगे तो हमारे पास ये वेक्टर हमारे पास हासिल हो जाता है यानी डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट हासिल हो जाता है। आप अगर हम उस इंटरटेनिस आप अगर हम इस यानी ये जो आपने डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट लिया है उसको टाइम इंटरवल पे डिवाइड कर देंगे जो बहुत मुख्तर है तो हमारे पास इंटरटेनिस वेलोसिटी आ जाएगी। द इंटरटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए कैन बी फाउंड बाय मेकिंग डेल्टा टी स्मॉलर एंड स्मॉलर। हम जैसे जैसे टाइम इंटरवल को कम करते जाएंगे तो
डेल्टा डी जो है वो भी कम से कम होता जाएगा. इन दिस केस डेल्टा डी विल आल्सो बिकम स्मॉलर एंड पॉइंट बी विल अप्रोच ए. और पॉइंट बी जो है वो ए को अप्रोच करेगा, ए के करीब आता जाएगा. जैसे जैसे हम टाइम जितना कम लेंगे उतना ही ये कर्व के ऊपर फासला हमारा कम होगा, तो ये बी जो है वो ए को ए की तरफ अप्रोच होता जाएगा, जैसे डेल्टा टाइम टी जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा. इफ वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस लेटिंग द बी अप्रोच ए, दस अलॉय डेल्टा टी एंड डेल्टा टी टू डिक्रीज बट नेवर डिसअपीयर कंप्लीटली, देन द रेशियो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ए बॉडी सेट टू हैव ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर कोई बॉडी टाइम के इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करती है तो हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है. यानी फर्ज करें कि पहले 5 सेकंड में एक बॉडी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय करती है, अगले 5 सेकंड में भी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय करती है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है. वेरिएबल वेलोसिटी. ए बॉडी इज सेड टू हैव ए वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर कोई बॉडी जो है वो मोशन में हो और अपनी मोशन के दौरान वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय ना करे तो हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है. फर्ज करेंगे एक बॉडी है आपके पास, वो मूव कर रही है और मूव करने के दौरान वो अपना पहले 5 सेकंड में फर्ज करें कि 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय करती है और अगले 5 सेकंड में फर्ज करें कि 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर उस बॉडी ने इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया, इसलिए उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है. एक्सेलरेशन. डिफाइंड टर्म एक्सेलरेशन आल्सो डिस्क्राइब्स डिफरेंट टाइप. एक्सेलरेशन से क्या मतलब है इसकी मुख्तलिफ किस्में बयान करें. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एज वेलोसिटी इज ए वेक्टर सो एनी चेंज इन वेलोसिटी मे बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड आर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ आर बोथ. द एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन क्या है? जब वेलोसिटी में चेंज आती है, यानी जब किसी बॉडी की बॉडी मोशन में हो और उसके अंदर वेरिएबल वेलोसिटी हो उसकी, यानी या तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, या वो बॉडी रोटेट कर रही हो, यानी वो एंगल रोटेट कर रही हो, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हो, तो हम ये कहेंगे कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है. अगर तो बॉडी तेज हो रही है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, तो उसमें जो चेंज आती है उसकी वेलोसिटी के अंदर, उसको हम पॉजिटिव चेंज कहते हैं. और इस तरह यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी में जो चेंज आती है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं. अगर तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो हम कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन जी पॉजिटिव है. अगर हम ये कहें कि उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर इसकी एक्सेलरेशन जो नेगेटिव है, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं. तो एवरेज एक्सेलरेशन द रेशियो बिटवीन द टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? फर्ज करें कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, टोटल टाइम के अंदर बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम टेकन, जितना उसने टाइम लिया है, तो उसकी यूनिट टाइम के अंदर जो चेंज आएगी वेलोसिटी में वो आपके सामने आ जाएगी और उसको हम एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन का नाम देते हैं. कंसीडर ए बॉडी हुज वेलोसिटी v1 एट एनी इंस्टेंट t. ये आपके पास एक बॉडी हरकत कर रही है, फर्ज करें कि इसकी पहले वेलोसिटी है v1 पॉइंट ए पर. एट एनी इंस्टेंट t चेंज टू v2 इन फर्दर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t. और उस वक्त के बाद उसकी वेलोसिटी v1 से बढ़कर फर्ज करें कि v2 हो जाती है. द
चेंजन प्रासी, आप हम चेंजन प्रासी निकालेंगे, हम वेक्टर फीस v2 से वेक्टर v1 बाय हेड एंड टेल रूल के तरीके से निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास v2 माइनस v1 एक वेक्टर आ जाता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है। चेंज इन वेलोसिटी को जितना टाइम लिया है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं डेल्टा टी पे, तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि टाइम के किसी इंटरवल में तो वेलोसिटी ज्यादा बढ़ी थी, किसी इंटरवल में कम बढ़ी थी, फिर अगले इंटरवल में ज्यादा बढ़ गई, फिर उससे अगले इंटरवल में और बढ़ गई, तो इस तरह मुख्तलिफ इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज तो आई लेकिन वो चेंज मुख्तलिफ थी। तो जब हम टोटल टाइम ले लेंगे, टोटल चेंज को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे, तो उसकी हमारे पास एवरेज चेंज आ जाएगी, यानी चेंज इन वेलोसिटी यूनिट टाइम के अंदर उसकी एवरेज आ जाएगी, जिसको हम एवरेज एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी मोशन में हो और उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रही हो और इक्वल इंटरवल के अंदर वो इक्वल फासला तय ना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय ना कर रही हो, तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। अब वो एक्सेलरेशन वक्त के किसी लम्हे में तो ज्यादा होगा, किसी लम्हे में कम होगा। तो अगर हम किसी खास लम्हे के दौरान, जो कि लम्हा बहुत ही कम हो, उसमें वेलोसिटी में जो चेंज आती है तो यूनिट टाइम के अंदर देखते हैं कितनी चेंज आती है, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एज द टाइम इंटरवल अप्रोच टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इफ डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, then instantaneous acceleration a instantaneous is expressed as a instantaneous limit delta t approach to zero delta v over delta t। यानि ये change in velocity है, लेकिन ये time interval जब change in time जो है वो zero को approach करे, लेकिन zero हो ना, यानि इतनी थोड़ी चेंज है velocity के अंदर कि time zero को approach करता हो, तो हम कहते हैं कि उस वक्त जो यूनिट टाइम में चेंज आती है उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ए बॉडी सेट टू हैव पॉजिटिव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसके अंदर वेरिएबल वेलोसिटी है और वेलोसिटी वेरिएबल इस अंदाज से है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है हर लम्हे, तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम पे जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन, ए बॉडी इज सेड टू हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। अगर कोई बॉडी जो है मोशन में हो और वो डिस्प्लेसमेंट तय कर रही हो लेकिन उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रही हो, यानी उसके अंदर वेरिएबल हो लेकिन उसकी वेलोसिटी कम हो रही हो, फर्ज करें कि फ्रिक्शन की वजह से किसी बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही, तो आस्ता आस्ता यानी वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर भी एक्सेलरेशन है लेकिन वो एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन की सीमा जो होती है असल में जिस तरफ बॉडी जा रही होती है उसके उल्ट सीमा में, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, इसलिए उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज बाय इक्वल अमाउंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी में चेंज तो आ रही है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रही है, तो उसके अंदर भी एक्सेलरेशन होगा, तो उस एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। कि वक्त के मसावी वक्फों में वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है वो भी एक जैसी हो, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। Important note: if a body moves with uniform acceleration, then its average acceleration and instantaneous acceleration will be equal. अगर कोई body जो है वो uniform acceleration से जा रहा होगा, तो सीधी सी बात है कि वक्त के मुसाबी वक्फों में या वो वक्फे जितने भी छोटे हों उसमें जो चेंज आएगी वो एक जैसी होगी, तो उसका जो acceleration होगा फिर instantaneous acceleration और average acceleration जो है वो बराबर हो जाएंगे। शुक्रिया।